हेलो माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ मी रिदा, इट्स अवर चैनल रिदा की आवाज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं बास्केट, जो कि हमें बाज़ार में मिलती है, बट अपने हाथ की बनाई हुई एक अलग ही बात होती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम घर पे बास्केट किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने एक 10 कपड़ा लिया है, और जो है अगर आपके पास घर में कोई बहुत प्यारा सा शिंगाई कपड़ा पड़ा हुआ है, बनारसी कपड़ा पड़ा हुआ है, सिल्क कपड़ा पड़ा हुआ है, तो आप उसको इस तरह से डेकोरेट करें। तो यहाँ पे मैंने इसका एंड ले लिया था, पहले वन साइड का मैंने एंड लिया, उसके बाद जिस तरह से हम फ्रॉक में, शरारों में, या फिर जो है और किसमें, फ्रॉक्स वगैरह में जिस तरह से हम लोग इसमें जो है देते हैं प्लेट्स देते हैं, उसी तरह से हमें जो है इसमें बास्केट में प्लेट देनी है। मैंने कपड़ा बिल्कुल भी साइज़ का कटिंग नहीं किया था, इसलिए क्योंकि जो है अगर मैं कटिंग कर देती तो कपड़ा छोटा पड़ जाता, और हमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जोड़ नहीं चाहिए। तो यहाँ बस मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया। और प्लीज़ 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 मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ग्लू गन आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करिएगा, हाथ जलता है बहुत ज़्यादा, तो एहतियात से यूज़ करिएगा। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है इसको यूज़ करने का। बहुत आराम से देखभाल के कपड़ा जो है लगाएं, और सिलबटे दें, चुने दें या प्लेट दें। अब तो यहाँ बास्केट में मैंने सिलबटे देना शुरू कर दी हैं, और आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने यहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच की मैंने यहाँ पे सिलबटे दी हैं, चुने दी हैं, प्लेट्स दी हैं। इसी तरह से हम बास्केट फोर कॉर्नर्स पे इसको कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग बताई है कि अगर इसका अंदर का कपड़ा, बास्केट के अंदर का कपड़ा नहीं रखा हुआ या नहीं लगा हुआ, तो हम उसको किस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सादी बास्केट बताई है, वरना बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी बास्केट हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही हैं। तो हमें अगर सादी लेनी है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम सादी बास्केट लेके उसको घर में किसी भी कपड़े से उसको डेकोरेट कर लें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं या हमारे जो सूट्स वगैरह बच जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं, वो किसी काम में नहीं आ पाते। तो आप उनको अच्छी तरह, अगर पीसेस बचे हैं तो आप उनको जोड़ लगा के और बहुत अच्छे से बहुत प्यारा सा नग लगा के और उसको डेकोरेट करके आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो बस यही बताना था कि हम छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे मेरे पास, मैंने बताया आपको, एक 10 कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन मैं लेकर आई थी ताकि मैं बता सकूँ, मेरे पास ये सिल्क का कपड़ा नहीं था, और मैंने इस तरह से ये बास्केट को तैयार किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं सादी बास्केट बता रही हूँ कि किस तरह से बनाई जा सकती है। इसी को मज़ीद फैंसी करने के लिए हम इसके ऊपर नेट भी लगा सकते हैं, जो कि आजकल बास्केट में बहुत ज़्यादा इन है, बट वो जो है बहुत ज़्यादा सस्ती नेट लगी हुई होती है, और वो थोड़ी सी डेकोरेट करके वो हम लोगों को तकरीबन 450-550 तक की स्टार्टिंग हो जाती है। वो बास्केट को वो रैप कर देते हैं नेट से, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है हमें। तो क्यों ना हम घर में इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कर लें और इसको डेकोरेट करें। यहाँ पे ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये पूरी हो चुकी है। मैंने चारों कॉर्नर्स इसके लगा दिए हैं, जो ज़्यादा कपड़ा कॉर्नर्स कवर करने के बाद जो कपड़ा बचा था, एक्सेस कपड़ा जो था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, कटिंग कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने उसका जॉइंट ग्लू ही गन से मैंने इसको जॉइंट किया और उसको मिलाया। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया। तो बस यही बताना था कि सादी बास्केट हम किस तरह से घर में रेडी कर सकते हैं, और ये बास्केट रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको और फैंसी बता दूँगी कि किस किस तरह से हम किस किस चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें डाल दी थी कॉस्मेटिक की, कि हम ये चीज़ें रख सकते हैं, और अगर किसी को गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इसको नेट से कवर कर दें, तो यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह रख कर, या जो भी आपको सामने वाले को गिफ्ट देना है, या किसी मेहंदी में यूज़ हो रही है, या किसी के माइयों में यूज़ हो रही है, या ड्रेसेस इसमें पैक करने, तो आप जो है ना इसमें वो चीज़ें रख के, जो भी रिक्वायर्ड हैं आपके पास वो चीज़ें रख के, आप ऊपर से इसको नेट से कवर करके फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, और कमेंट करिए, और
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।